आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल, सवाल से पहले थोड़ा सा एक, हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है, और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउड, परमिशन नहीं देता, मगर ये तो तय है आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, एक साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है, और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था, वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है, उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया। भाई साहब ने सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ, और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे अधिग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापूजी, जो गुरु ग्रंथ साहिब अधिग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापूजी, जिसके माने हैं कि गॉड इज ट्रू, इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वॉन्ट। क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है, ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है, और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, मैनिफेस्ट फॉर्म इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म इज एक ओमकारा, और कई इसके एट्रीब्यूट से, मिसाल के तौर पर परवदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहिगुरु एज वन गॉड कहा गया है, और डिस्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतार वादा। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाया और काबा हिल गया। क्योंकि ये जो साइंस टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2,000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है, जितने मजाहब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मजहब कायम हुआ, हार्डली 400-500 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था, और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, ना कई किस्से कहानी, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है चुपके से कोई गया, हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की आपने वीडियो देखी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक सिख हैं जिन्होंने ये एक बड़े दावे से एक बात कही जो बड़ी हैरान कन थी, यानी कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इनके जो गुरु नानक साहब हैं वो मक्का में गए अपने चेलों के साथ, वहाँ मतलब यानी कि एक जगह पे वो लेट गए, सो गए,
और उनके पैर खाना काबा की तरफ थे, और कहते हैं कि वहाँ के जो काम करने वाले थे उन्होंने उनको पैर को झटका यानी कि हटाया, साइड पे किया कि कौन काफिर है। तो उनके जहाँ पे पैर गए वहीं पे जो है काबा, जो है खाना काबा, वहाँ पे जो है ना मूव करके उधर चला गया नाउज़ बिल्ला। तो अच्छा ये ऐसी बात थी कि मतलब जब मुस्लिम्स हैं उसको तो कभी भी ना माने, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने इसको बड़ी खूबी से ना एक ही जुमले में इसको बड़े इत्मीनान से सुन के, ये नहीं इसको कहा कि नहीं तुम बहुत गलत कह रहे हो, ये तुमने वो गुनाह किया, शर्क की बात की है, कुछ भी, लेकिन उन्होंने बड़े इत्मीनान से एक बात से साफ साफ कही है कि अगर ऐसी कोई बात होती, वैसे तो नहीं है लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो ज़रूर आपको जो है ना हिस्ट्री में मिलती, हमें मिलती, कहीं से भी ये सुनने को मिलती बात, जबकि ये नहीं मिली तो इट मीन्स कि यानी कि ये सच नहीं है। तो गलत बातों से हमें सबको परहेज़ करना चाहिए, यानी कि जो भी बात सुने वो उस पर फ़ौरन यकीन नहीं कर लेना चाहिए, हमें उसकी तस्दीक करनी चाहिए, और हमें जो है उलमा वगैरह उनसे ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए कि उसकी बात की सच्चाई क्या है। व्यूअर्स आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।